हाय गाइस, मैंने तान्या का व्लॉग हाईजैक कर लिया है। ओह, इसको देखियो, शिट। धक्का दे दो। क्या हॉट, हमारे किस्मत में कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर दोस ऑफ यू डोंट नो, माय नेम इज तान्या नारंग। आज का व्लॉग आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू सरप्राइज माय ब्रदर। सो टुडे इज माय ब्रदर्स बर्थडे और मैं उसके लिए पिछले 4-5 दिन से आई गेस प्लानिंग कर रही हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी बुक करी है जहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं। उसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। वो बेचारा मुझसे बोल रहा था, यार मुझे अपने फ्रेंड के साथ पार्टी पर जाना है। मैंने बोला नहीं नहीं। तो मैंने बेसिकली सीन ये बनाया, मैंने उसको बोला है कि मेरा शूट है और तेरे को मेरे को गाड़ी में लेके जाना है और शूट पे मैं खुद से नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, उसको लोकेशन वगैरह का कोई आइडिया नहीं है और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ में जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की हुई है, वो वहीं पे प्रॉपर्टी में प्लानिंग करी हुई है। सो अभी और मैंने वो मेरे से सुबह से गिफ्ट्स मांग रहा है कि यार तूने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मुझे कोई गिफ्ट दे, गिफ्ट दे। तो मैंने बोला यार नहीं, मैं तेरे को गिफ्ट ना बाद में दूंगी। तो अब मैंने बेसिकली एक सिनेरियो बनाया है, मैं गाड़ी में थोड़ा सा व्लॉग करूँगी ऐसा शो करने के लिए कि हाँ मैं शूट पे ही जा रही हूँ। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं। नीचे उसने गाड़ी निकाल ली है, मैं बिल्कुल रेडी होके, मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग शुरू कर दूँ, मैं बिल्कुल रेडी होके अभी नीचे जाने वाली हूँ फटाफट से उसके पास। तो गाइज, आई एम गोइंग ऑन अ शूट और ये मेरा भाई है जो मुझे ड्रॉप करने वाला है। पहले हम लोग मेरी फ्रेंड को पिक करेंगे, देन हम लोग शूट पर जाएंगे और लोकेशन थोड़ी सी दूर है तो इसलिए मैं आज अपने भाई के साथ जा रही हूँ। ये देखो, पैसे लेता है मेरे से शूट पे जाने के, फ्री में नहीं लेके जाता। तो गाइस, अंजलि इज फाइनली हियर। आर यू रेडी फॉर द शूट? यस। और अभी हम लोग अपने एक और फ्रेंड को पिक करने जा रहे हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो जॉइनिंग अस। सो लेट्स गो। बस बस बस। इसको देखियो, शिट। हाय, रुको रुको, मेरे को पीछे जाना है। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या, सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया था? मैंने कहा धवन साहब चल रहे हैं साथ। मैंने कहा पता, चश्मा चश्मा दिखाना, अपना पीछे मुड़ना। रुक गए बारिश दीदी, मैं आपको एक दो पहले ने बता सकती थी भाई। ये कैसा लगा तेरे को सरप्राइज, ये तो बता। गाइस, एक और मेंबर इज हियर। ऑफिस में होंगे, ऑफिस में होंगे। लगी तो ये जोक्स अगर सारे YouTube पे डल गए YouTube, हाँ मजा आएगा। YouTube चैनल पास, YouTube मेरा चैनल ब्लॉक कर देगा। कहेगा पहले तो इसका चैनल ब्लॉक कर, अच्छे बिगाड़ भी वो कर देना ना, 18 प्लस वाला जो आता है। आजो गाइस जल्दी जल्दी। ये है आई थिंक रूम नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल। अभी लाइट्स ऑन करते हैं। वाह, सो प्रिटी।
दिस इज द वॉशरूम. ओह नाइस, सो स्पेशियस. हियर इज द व्यू. ये बालकनी है. कैसा लगा? ये तुम्हारा रूम है, हम अच्छा वाला लेंगे, तुम्हें ऐसा सा दे देंगे. व्यू चेकआउट करें. दिस इज द सेकंड रूम. ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे फॉग है. ओ हैमॉक, मैं तो वहीं बैठने वाली हूँ. हटो हटो हटो, इसका वॉशरूम है ये रहा. ये वॉशरूम ही है आई थिंक. ओ इट्स अ बालकनी, सो क्यूट. हाँ मैं भी देख रही हूँ, मुझे इसी वाली साइड पे जाना है. हम अभी आई थिंक उधर वाली साइड से आए हैं. अच्छा ये हमारा प्राइवेट विला टाइप से आई गेस. हाँ तभी नीचे ऐसे है. वेरी नाइस यार. सो गाइज दिस इज़ अ लिटिल किचन एरिया. ये नीचे का ही है जहाँ पे अभी हमने वो सरप्राइज वाला सीन करा था. एंड दिस इज द प्राइवेट एरिया जो मैं आपको अभी ऊपर से दिखा रही थी ना, वो यही है एक्चुअली. ये सारे विलाज हैं. ये वाला हमारा विला है तो हमने वाला बुक करा है. और यहाँ पे हम लोग अभी हैमॉक पे बैठने आएंगे. मैं तो इसी के लिए आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है. सो ये हमने देखा था कि हमने इसकी पिक्चर्स देखी थी इनकी वेबसाइट पे, बट देन यहाँ पर देख के तो और भी सुंदर लग रहा है. मतलब सो 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 ब्यूटीफुल. तो एक दिन में हम सब कुछ करने वाले हैं, बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे अभी और कुछ खाएंगे पियेंगे. ये कनेक्टिंग विला है ये वाला जो है. सो यहाँ पर भी ऐसे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जा सकते. बट यहाँ पहले हम लोग यहाँ पे हैमॉक पे बैठेंगे. ये मेरा फेवरेट. ये गीली हो रही है थोड़ी सी बारिश की वजह से. मेरे क्या गाड़ी की चाबी तो प्रथम के पास है, फेंकेगा नहीं ऊपर से आकर लेके आने के लिए. हैमॉक आई लव दिस. अभी थोड़ा सा गीला हो रहा है, मे बी बारिश की वजह से हो रहा होगा, ज़्यादा नहीं हो रहा. तो अभी हम लोग आएंगे. मैप दिया है पूरे कर्मा लेक लाइन्स का. हम लोग कर्मा शैलेट्स में हैं और ये ईगल पर्च करके है. ईगल पर्च है ये. सो या नाउ वी आर गोइंग टू जिम. एक्चुअली मेरा मन नहीं है जाने का, बट मैं इसको ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ क्योंकि जिम इज इम्पॉर्टेंट. यस तो आज हम भी करेंगे. हमें पता नहीं है एक्चुअली साइकिल्स कहाँ से लेने हैं, तो हम रिसेप्शन पे आए हैं. एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वेयर टू गेट द साइकिल्स फ्रॉम? सो साइकिल तो हमने नहीं ली है बिकॉज वहाँ पे साइकिल पार्क करने का कोई स्पेस नहीं है और साइकिल ऐसे ही वो दो घंटे के लिए दे रहे हैं. तो हमने जो जिम करने जाने तो साइकिल पे क्या वॉक करते हैं. हम ट्रेडमिल पे चलेंगे. एंड दिस इज माई जिम आउटफिट गाइस. मैं ऊपर का कुछ वैसा नहीं डालूँ, टॉप ही डालूँगी. ये है क्या जिम? सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए जिम में. एंड द बेस्ट पार्ट, खाली जिम. मुझे बहुत पसंद है ऐसे खाली जिम. वर्कआउट पता नहीं मैं करूँगी या नहीं, लेट्स सी इफ आई डू इट और नॉट. सो मैं तो वर्कआउट नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव शूज़. बट मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकती हूँ, शायद मैं वही करूँगी अब स्ट्रेचिंग एंड ऑल. मेरे को वर्कआउट का कोई इतना क्रेज भी नहीं है. एक तो यार इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती. सही में गलत रास्ते पे ये लेकर आई है. कर्मा शैलेट जिस साइड लिखा होता मैं उस साइड से लेके आई हूँ. सो गाइज नाउ हम लोग जा रहे हैं पूल में फाइनली. और अभी अंजलि अपना मेकअप कर रही है, मैं तो ऑल सेट फॉर द पूल. ये सारी पिक्चर्स सारी आउटफिट्स आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हो. इंस्टाग्राम पे एक रील आएगी बहुत अच्छी जिसमें ये सारी आउटफिट्स होंगी. सो यू विल सी इट सून. इफ़ यू नॉट फॉलोइंग देयर यू कैन. बट दिस प्रॉपर्टी आई टेल यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी बिग. आई मीन अगर आप मतलब इतने इतने किलोमीटर्स तक तो वॉक करके हमें पूल साइड जाना पड़ रहा है अभी. और दिस इज़ नॉट माई पूल आउटफिट. वैसे मैं चेंज करने वाली हूँ. ये मैंने ऐसे एक आउटफिट पहना है जस्ट लाइक दैट टू रोम अराउंड. यहीं पे हमारे यहाँ पे जो बाहर मैंने आपको बैक साइड वाला एरिया दिखा था उधर जा रहे हैं. पहले हम बॉयज़ आर एट दी पूल, वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा था. सो पूल के लिए मेरे पास एक और आउटफिट है. सो हम लोग होली आउटफिट पहनेंगे. रूम की हालत देख लो. वेन टू गर्ल्स स्टे टुगेदर
तो ये होता है, सिर्फ कपड़े कपड़े दिख रहे हैं दूर दूर तक और कुछ भी नहीं है इस रूम में। हाय गाइस, मैंने तान्या का व्लॉग हाईजैक कर लिया है एंड आई एम व्लॉगिंग ऑन हर बिहाफ। और तान्या मजे ले रही है हमारी झूले पर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं तान्या? हैमॉक। आई लव दिस, मैंने बताया पहले जाऊंगी। तो या अभी मैं उसको शूट करूंगी, देन वो मेरा शूट करेगी एंड पूछी गर्ल की तरह। हाय गाइस, सो हॉट गर्ल्स, सो आउटफिट इज चेंज्ड और हमने भी शर्ट्स पहन लिए ऐसे हमारी है। हम लोग जा रहे हैं अभी पूल में, स्विमिंग मछली मोड में। हाँ, मछली मोड ऑन। मेरी चप्पल इतनी मोटी और इतनी बड़ी चला नहीं जा रहा है, लेकिन फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैशन नहीं रुकना चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा दुनिया में, लेकिन फैशन नहीं खत्म होना। हमने अभी क्लिक करी है बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स बाय द वे, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना तभी देख पाओगे। हाँ, अभी तो मैंने शर्ट पहनी है गाइस, दिस इज माय आउटफिट फॉर द पूल, द शर्ट। क्या हवा चल रही है, फुल बॉलीवुड। हम फिर आ गए अपनी वही जिम वाली लोकेशन पे, पूल भी यहीं पर ही है गाइस। ये बहुत बड़ा है यार, मैं घूम घूम के थक जाते हैं यहाँ पर, पर मजा आ रहा है। अच्छा, एस्थेटिक प्रॉपर्टी। ओह, मैंने तो ये गेट नहीं खोला, वो दोनों तो हो रहे खा गए ये दोनों। Here's the pool. This is me. अब हम लोग जा रहे हैं, बॉयज आ गए हमारे। यार मेरे को ऐसा लग रहा है गहरा तो नहीं है, कहीं मैं डूब जाऊँ। 4 फुट क्या है, ऊपर चढ़ू? धक्का दे दो। अरे 4 फुट से नहीं डूबेंगे हम, 4 इसको डर लग रहा है 4 फुट में डूब जाएंगे। ज़्यादा लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यार ये 4 फुट में नहीं है, ये गहरा है। हाँ, 4 फुट तो यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पता चलेगा बेटा। बस बस बज रहे हैं अराउंड 5 और हम लोगों ने पूल वूल में मज़े मज़े कर लिए हैं। मेरा फेस आप लोग देख सकते हो, हम दोनों का ही फेस है एक्चुअली। पूल में हम लोग नहीं गए, मतलब फेस तक ही हम लोग गए थे क्योंकि लेंसेज लगे हुए हैं, नेक तक गए थे। तो हाँ, यहाँ से तो नहीं है। हाँ, बात करते करते आगे आ गए। सो बहुत मज़े करे हमने, 2 घंटे तो थे हम पूल में, गल गए हमारे हाथ 2 घंटे के पूल। हाँ, वैसे इसके चक्कर में मेरे साथ भी ऐसा हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा देर तक पूल में रहती थी बचपन में, अब मेरे को ऐसा है कि नहीं, मेरे को भी नहीं रहना यार पूल में, गंदा पानी होता है, ये होता है, वो होता है। इससे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घुस आई हैं जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। अभी अभी जस्ट हमने लिया है शावर और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6 एंड हम लोगों को जाना है पार्टी करने बाहर कहीं, मतलब हम लोग किसी क्लब में जाने का सोच रहे हैं बेसिकली। सो विल गो देयर नाउ एंड लिटिल बिट टायर्ड क्योंकि पूल में हम लोग काफ़ी देर थे, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, वो लोग नीचे बैठे हैं सब लोग, सबसे आगे में मैं ही नहाई हूँ। सो चलते हैं नीचे उनके पास, करते हैं थोड़ी सी बातें शाते। PPTs बना रहे हैं, काम कर रहे हैं ये। ओहो, ये कौन सा काम हो रहा है भाई, ये क्या देख रही हूँ मैं? अच्छा, बड़ी चंगी। अभी हम बातें कर रहे हैं, फिर हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, फिर ये लोग रोएंगे। नाउ वी आर ऑल सेट फॉर अ पार्टी। हम लोग जा रहे हैं क्लब में बेसिकली, गुड़गांव में। इट्स अ न्यू क्लब, सो पता नहीं मैं वहाँ पे कितना शॉट ले पाऊँगी, कितने नहीं ले पाऊँगी, रात को हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज़ माई आउटफिट। आई विल पुट द पिक्चर्स आफ्टर दिस क्लब। सो कुछ ऐसी सी मेरी आउटफिट है। मैंने ब्लैक कलर बहुत टाइप के पहना है, लाइक ऐसे फुल ब्लैक। मैं ब्लैक कलर यूजली पहनती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक ब्लैक पर्सनली, बट या फॉर अ चेंज आई थॉट आज पहन लेते हैं। विद द बॉय का आउटफिट आड़ा केड़ा सा, बट इससे से काम चला लो। ये गाइज इनका रूम है, ये बॉयज का। यू कैन सी हाउ क्लीन इट इज, वेरी गुड बॉयज, गुड जॉब। ये भाई इतने से कपड़े, ये तो मेरा एक आधे दिन के कपड़े भी नहीं है। इतने में ट्रैवल करते हैं ना यार, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे एक दिन के इतने सारे कपड़े।
गर्ल्स के साथ आया तो मैं कैसा लग रहा है इतने लोग पूछेगा कितनी बेचारी अंजलि सीरियस हो जाती है अंजलि को पता नहीं है मुझे पता नहीं है ना ये सीरियस है ओ मजाक बना रहे हो कसम से नहीं मिल रहा जो मैं जन्म वो इंसानों की योनि में जन्म ले चुके हैं वो कह रहा है मैंने इतने टाइम से तुम्हारा बड़ा वेट करा है कि तुम उस योनि से निकलो एंड यू विल कम टू मी चलो आगे चलो आगे चलो यार पे हेयर कर लो अच्छा ऑर्डर हेयर है ओके कलेक्ट हेयर सर ऑर्डर तो गया ही नहीं अच्छा यही होगा क्या क्या ले रहा जल्दी बोलो रात को कोल्ड कॉफी पी रहे हैं ताकि हम सोए ना क्योंकि मुझे नींद आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि तांगे को कोल्ड कॉफी पिलाते हैं ताकि ये सोए वैसे मेरे दिमाग में तो यही था इसीलिए मैंने बोला था कॉफी वॉफी पी के हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और ऐसे पसर गए हैं दोनों देखो कैसे लगी बड़ी अपने फोन में क्योंकि हम बहुत थक गए मुझे तो नींद आ रही है इनको अभी भी नींद नहीं आ रही है उनका प्लान है पूरी रात जगने का तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा प्लान है सोने का ये बातें करेंगे तो सो जाऊंगी गुड मॉर्निंग एवरीवन इट्स अनदर डे रात को हम लोग आने के बाद ये लोग तो 5-6 बजे सोए हैं मैं तो सो गई थी सब लोग यहीं बैठ के बातें कर रहे थे फिर उसके बाद ये लोग 5-6 बजे सोए फिर हम लोग सुबह उठ गए थे 8 बजे के करीब अभी 9 बजने वाले हैं एंड आई एम ऑलरेडी टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट बिकॉज भूख लग रही है यार बहुत तेज सभी लोग रेडी हो रहे हैं अंजलि और मैं रेडी हैं बॉयज़ आर गेटिंग रेडी दे विल टेक अनदर आई गेस 10 मिनट्स टू गेट रेडी देन हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने फिर कुछ बच्चे सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम लोग कहीं जाने वाले हैं उसके बाद भी गई लेट्स सी कहाँ जाएंगे बट इट वॉज अ रियली नाइस ट्रिप यहाँ पर आए दोनों से हाय टू माई व्लॉग काउंसलिंग चल रही है इसकी एट दिस ब्यूटीफुल ट्रेल गाइस ओह कितने क्यूट बर्ड्स हैं वाओ ऐसी बर्ड तो मैंने पहली बार देखी है ये वाली वाओ ये रहा रेस्टोरेंट झूला is my plate girls now we are going for cycling aur ye to aa rahe hain cycle pe sir
हमें लेके जाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली एनिमल्स वगैरह सब कुछ ही है, सो यहाँ पे एनिमल्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम साइकिल पे एक राउंड लगा के आएंगे, एक दो राउंड ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे बिकॉज हमें चेकआउट भी करना है और हम अभी थोड़ा सा लेट भी चल रहे हैं। So guys, we are at the farm. Have got cows. So cute. George, na Mario. मनी मारेगा वो गुस्से में है। मैं तो ऐसा लेके साथ दवंदा न्यू है। हाय Finally it's time to check out. अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ क्या वहाँ जा रहे हैं? कैफे में जा रहे हैं, गुड़गांव में। वहाँ दिखाएंगे हम आपको नज़ारे खाने के। हाँ नज़ारे। बट इट वॉज अ नाइस स्टे, वी एंजॉयड अ लॉट और मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करे। इतनी टाइम बाद स्टे करा है ऐसे। हाँ, मतलब जैसे हम पार्टी कर रहे हैं काफी टाइम बाद करी है यार, मतलब हम लोग पार्टी पहले बहुत करते थे। डेली ऑलमोस्ट करी रहे होते हैं, दो ढाई साल बाद हमने पार्टी करी है। हम इतना this plant which we can keep indoor as well, so yeah, and it was really really nice. Abhi hum log ja rahe hain, gaadi ready hai, chalte hain kuch khate, kisi cafe mein ja rahe hain abhi hum log basically, so then we will eat something and go back to Delhi. So for the food we have come to Kokinos. ये बेसिकली रमाडा में देर इज़ अ कैफे, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैफे इंडीड, सो द नेम इज़ कोकिनोस। मैं इसकी कोई यूट्यूब शॉर्ट्स या रील वगैरह टाइप्स डाल दूँगी तो आप लोग देख लेना कोकिनोस के नाम से, बट लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ द आउटर एरिया, दिस इज़ द बाय विजय धवन, बाय मैम, सी यू, थैंक यू फॉर अ ग्रेट टाइम सर।